दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु रिकॉर्डर की नई वीडियो आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल देख के तो पता लग ही गया होगा कि गेमिंग पीसी की बात करने वाले हैं 25 से 30 हज़ार रुपये के बजट के अंदर। क्वेश्चन मार्क मैंने टाइटल के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि मैं आप लोगों को इसके अंदर कोई बिल्ड नहीं दिखाने वाला कि मैंने कोई नए नए कॉम्पोनेंट्स खरीदे हैं, ग्राफिक कार्ड, स्टोरेज, प्रोसेसर या मदरबोर्ड, जिससे आप 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर कोई गेमिंग पीसी बिल्ड कर पाएंगे। मैंने अपने सिस्टम में 2 से 3 महीने पहले कुछ अपग्रेड करे थे स्टोरेज के अंदर और ग्राफिक कार्ड के अंदर, और उसके बाद में लेटेस्ट जितने भी गेम्स हैं GTA, Fortnite, PUBG, Apex Legends, ये सारी गेम्स मैं मीडियम टू हाई सेटिंग्स में खेल पा रहा हूँ। 1080p के अंदर आप कह सकते हैं या 1366x768 जो मेरा सैमसंग का मॉनिटर सिस्टम ये रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है, ये मैक्सिमम है। ये वाली सारी गेम्स मैं मीडियम टू हाई सेटिंग्स में खेल पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर ली जाए कि कैसे आप अपने अभी जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आप बहुत अच्छी गेम्स मीडियम टू हाई सेटिंग्स में खेल पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वाली वीडियो पसंद आएगी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स अपने सिस्टम में अंदर भी करंटली यूज़ कर रहा हूँ, प्लस कौन कौन सी गेम्स आप लोग मीडियम टू हाई सेटिंग्स के अंदर खेल पाएंगे, जैसे GTA वगैरह जो भी मैंने अभी बताई थी। और इस वीडियो का एंड तक देखना ना भूलिए, वीडियो रियली में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं हर हफ्ते ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस लेके आते रहता हूँ। बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 2-4 महीने हो गए थे मेरे को अपने पीसी को ना खोले हुए, और अब जब मैंने सेटअप के लिए खोला तो मुझे याद आया कि मैंने केबल्स को बहुत अच्छे तरीके से सेट किया हुआ था। 3-4 हार्ड ड्राइव इसके अंदर मैं लगी हुई है, DVD राइटर, ग्राफिक्स कार्ड, बहुत सारी केबल्स है इसके अंदर, तो उसी वजह से मैं आप लोगों को एक एक पार्ट को निकाल के नहीं दिखा पाना। मैं वो चाहता था आप लोगों को दिखाने के लिए, बट मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो कैबिनेट अभी आप लोग जो सामने देख रहे हैं, ये वाली कैबिनेट ज़ेब्रोनिक्स की है, ZEB157RS का मॉडल नंबर है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। ये वाला आप लोग अराउंड 800 से 1000 रुपये के बीच में खरीद सकते हैं अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, और अगर आप ऑफलाइन स्टोर से खरीदे तो 750 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को ये वाला इजीली मिल जाएगा। ये कंप्लीट ब्लैक कलर में आता है, मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, कंप्लीट ब्लैक में है, प्लस इसके बटन्स वगैरह और एक इसकी लाइनिंग है वो रेड कलर में है, तो मुझे ये वाला पसंद आया था इसलिए मैंने ये वाला परचेज किया। पावर सप्लाई जो हम इसके अंदर यूज़ करें वो 450 वाट्स की ज़ेब्रोनिक्स की पावर सप्लाई है, और ये वाली हमें अराउंड 500 रुपये के अंदर देखने को मिल जाती है। आप लोगों को हैरानी हो रही होगी कि इतनी सस्ती पावर सप्लाई क्यों है। मैं एक नॉर्मल पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ जो कोई भी कंप्यूटर शॉप के अंदर आप लोगों को इजीली मिल जाएगी, क्योंकि इस सिस्टम के लिए मुझे एडवांस पावर सप्लाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अंदर हम जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो इंटेल का है DX61BF, और ये वाला जो मदरबोर्ड है वो रियली में काफ़ी पुराना है, आपको अभी ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑफलाइन स्टोर पे शायद आप लोगों को ना मिले। ये वाला आप लोगों को अराउंड 5 से 5.5 हज़ार रुपये में मिल जाता है ऑनलाइन, और इसकी सबसे जो बेकार बात है वो ये है कि इसके अंदर मैं कोई भी 3rd या 4th जनरेशन वाला प्रोसेसर यूज़ नहीं कर सकता इंटेल का। अभी मैं i5-3470S यूज़ कर रहा हूँ, वो 3470 का एडवांस वर्जन है। इसमें हमें क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, इसमें जो कैशे है वो 6 MB है, और इसमें हमें टर्बो बूस्ट मिलता है 2.9 GHz पर, वैसे ही क्लॉक्ड आता है, बट इसमें हमें जो टर्बो बूस्ट मिलता है वो 3.6 GHz तक मिलता है, जो रियली में कमाल की बात है। और मेरा बजट अराउंड 7 से 8 हज़ार रुपये ही था मुझे जो प्रोसेसर और मदरबोर्ड में लगाना था, और ये वाला मुझे कॉम्बिनेशन रियली में अच्छा लगा, तो मैंने 6-7 महीने पहले ये वाला प्रोसेसर और मदरबोर्ड सेकेंड हैंड खरीदा, और मुझे ये लगाने के बाद रियली में बहुत अच्छा लगा। और इसमें एक और ड्रॉबैक ये है कि मैं कोई भी रैम को 1333 MHz से जो क्लॉक्ड है उसके ऊपर की रैम नहीं लगा सकता, मतलब जो मैं भी इसमें रैम यूज़ कर रहा हूँ वो 8 GB की है, और मैंने 2 रैम लगा रखी है 4-4 GB की, और दोनों ही 1333 MHz पे क्लॉक्ड है। इसके ऊपर की अगर मैं कोई भी रैम लगाऊंगा तो वो सपोर्ट ही नहीं करेगा और मेरा सिस्टम टर्न ऑन होगा ही नहीं। क्या हम जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करें वो है एनवीडिया का GT 1030, 2 GB का DDR5 ये ग्राफिक्स कार्ड है, और रियली में काफ़ी पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है अगर आप एक बजट पीसी बिल्ड कर रहे हैं। आज के टाइम पे इससे बहुत ही नए नए ग्राफिक्स कार्ड आ गए हैं, बट मैंने इसको 6-7 महीने पहले खरीदा था और उस टाइम ये चलता था। ये वाला मैंने अराउंड 8 हज़ार रुपये का खरीदा था, बट अब इसका ऑनलाइन प्राइस चेक करेंगे तो 6 से 6.5 हज़ार में आप लोगों को मिल जाएगा, और रियली में कमाल का है। मैंने इस पर बहुत सारी गेम्स खेल के देखी, 1080p गेमिंग इसे आप इजीली कर सकते हैं, GTA 5, PUBG, Fortnite, Apex Legends, कॉल ऑफ ड्यूटी की लेटेस्ट Battlefield वगैरह बहुत सारी गेम्स आप 1080p में गेमिंग कर सकते हैं। अब स्टोरेज की बात करें तो इसमें मैंने 2 हार्ड ड्राइव और 1 SSD लगा रखी है, 1 हार्ड ड्राइव 1 TB की है और दूसरी 500 GB की, तो दोनों की कॉस्टिंग मिला के अराउंड 4.5 से 5 हज़ार रुपये में आप लोगों को मिल जाएगी, दोनों ही WD की है। प्लस इसमें मैंने 1 SSD भी लगाई है किंगस्टन की, और वो वाली SSD 120 GB की है, और वो लगाने के बाद मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस रियली में काफ़ी इंक्रीज हो गई। अराउंड 1800 रुपये की खरीदी थी, बट आप लोग अब जो प्राइस चल रहा है ऑनलाइन 1500 रुपये में आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। SSD लगाना रियली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSD से कोई आपका सिस्टम सुपर फास्ट नहीं हो जाएगा, बट उससे जो आपके सिस्टम की रीड और राइट स्पीड है वो ऑलमोस्ट 5-10 टाइम्स बढ़ जाती है, मतलब
150 से 200 Mbps की कॉपिंग स्पीड, रीडिंग स्पीड आदि है, और उससे आपका सिस्टम बूट स्पीड कह लो, ऐप ओपनिंग स्पीड कह लो, लैग फ्री आपका सिस्टम हो जाएगा, प्लस आप गेमिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह और भी बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इन शॉर्ट 3 से 4 गुना फास्ट हो जाता है अगर आप अपने सिस्टम में SSD लगाएंगे। तो जितने भी मैंने अभी आप लोगों को प्रोडक्ट्स सिखाए हैं उन सबका प्राइस मिला के अराउंड 27,000 रुपीज़ होता है। 27,000 रुपये का मेरे PC है जिससे मैंने बहुत ही अच्छी गेमिंग कर पा रहा हूँ। और अब आप लोगों को भी मैं एक छोटा सा गेम प्ले दिखाऊंगा, 3-4 गेम्स आप लोगों को इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। सारी गेम्स मैंने मॉनिटर पे ही इसकी DSLR से रिकॉर्डिंग करी है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि मेरा PC इतना अच्छा नहीं है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ गेम प्ले कर सकूँ, वरना मुझे बहुत ज़्यादा लैग वगैरह देखने को मिल रहा था। बट उसके बिना गेम्स सुपर स्मूथ चल रही है, सारी गेम्स 1080p में मैंने ट्राई करी है, एक दो को छोड़ के। तो सबसे पहले गेम जो हमने इसमें ट्राई करी वो थी GTA 5, और GTA 5 हमने 1080p में ही ट्राई करी, और जो सेटिंग्स थी वो हाई पे रखी थी, कुछ कुछ थी जो मीडियम पे रखी थी बट ऑलमोस्ट सारी हाई पे रखी हुई थी, और इसमें बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिला। मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ, 6-7 महीने हो चुके मुझे GTA 5 खेलते हुए। फ्रेम आप लोगों को FPS जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिल जाएंगे, और 50+ ही मुझे इसमें FPS मिले हैं। अगर मैं इसको 1366x768 रिजोल्यूशन पर चलाऊंगा तो मुझे 70-80 FPS मिल रहे हैं, लैग वगैरह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, और मैं गेम प्ले से बहुत ही अच्छा काफ़ी लंबे टाइम तक कर सकता हूँ। तो अगली गेम हमने खेली वो थी कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस वॉरफेयर, और ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले डाली थी, और ये वाला ग्राफिक्स कार्ड के साथ मैं 1080p गेमिंग करने के लिए पागल ही हो गया हूँ। कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम मैं काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ, और मुझे 1080p में ऑलमोस्ट मीडियम टू हाई सेटिंग्स में मैं ये वाली गेम खेल रहा हूँ, और मुझे लैग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं मिला, बल्कि जो एक्सपीरियंस रहा ग्राफिक्स वगैरह जो थे प्लस जो गेम है ओवरऑल एक्सपीरियंस रियली में काफ़ी अच्छा रहा। तो आप लोगों को एक बार ये वाली गेम ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अगर आपने नहीं करी। जो थर्ड गेम हमने ट्राई करी वो थी फोर्टनाइट। फोर्टनाइट के अंदर हमें जो ऑटोमेटिक सेटिंग्स के अंदर जो ग्राफिक्स मिले वो थे हाई, हाई पे हमने जो FPS मिल रहे थे वो अराउंड 50 से 65 के बीच में मिल रहे थे, इसी के बीच में फ्लक्चुएट होते रहते थे। और अगर मैं इसको एपिक पे मतलब अल्ट्रा पे कर देता तो अल्ट्रा पे भी मुझे 40 से 50 FPS मिल रहे थे, जो रियली में कमाल की बात है। लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि ऑनलाइन कनेक्ट होती है, मतलब एक मल्टीप्लेयर गेम है, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ भी मैं इसको बहुत ही अच्छा इजीली खेल पा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस रियली में फोर्टनाइट के साथ बहुत अच्छा। तो जो अगली गेम मैंने ट्राई करी वो थी NFS Payback। ये बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, इसमें मैं 1080p गेमिंग तो कर पाया, मुझे जो FPS मिल रहे थे वो 30 से 40 के बीच में मिल रहे थे, और इसमें मुझे जो हर वक्त जो ग्राफिक सेटिंग्स रखनी पड़ी वो लो टू मीडियम में रखनी पड़ी, बट मैं लो पे ही खेल रहा था, लो पे मुझे बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिला, और उसमें मुझे जो FPS मिल रहे थे वो अराउंड 40 से 45 या कभी कभार 50 भी मिल रहे थे, और उसमें रिजोल्यूशन मैंने 1080p नहीं रखा हुआ था, 1366x768 रखा हुआ था, और इसमें मैं गेमिंग वगैरह अच्छा कर रहा हूँ, मतलब NFS जैसी गेम इसके अंदर बहुत अच्छा नहीं चलती, उसके लिए मैं कोई अच्छा सा ग्राफिक कार्ड चाहिए। एक और गेम हमने ट्राई करी थी वो थी एपेक्स लेजेंड, उसमें कुछ लॉगिन इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट लिटरली बोलूं वाली गेम अभी तक सबसे फास्ट चल रही थी। अगर मैं GTA या कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस वॉरफेयर से भी कंपेयर करूं तो 1080p गेमिंग मैं उससे इजीली कर सकता हूं, मल्टीप्लेयर गेम है, ऑनलाइन कनेक्ट होती है, इंटरनेट चाहिए उसके लिए, बट उसके बाद ही मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकता हूं अपने इस PC के अंदर। तो लास्ट गेम हमने ट्राई करी वो थी PUBG मोबाइल एमुलेटर, टेंशन बड़ी एमुलेटर वाली, और वो वाली उसका एक्सपीरियंस मेरा रियली में बहुत ही गंदा रहा। मैं उसको बैलेंस पे खेलने की कोशिश कर रहा था बट बैलेंस पे उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिला, तो मैंने उसको स्मूथ में ट्राई किया, मतलब जो सबसे लोएस्ट सेटिंग होती है उस पर ट्राई किया, और FPS को मैंने एक्सट्रीम पर रख दिया, एंटी अलाइजिंग ऑन कर दी, और नीचे जो FPS वाला जो फ्लक्चुएशन वाला होता है वो भी मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद ही मैं इस पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे पाया। मैं इस पर गेमिंग तो कर सकता हूँ अगर मैं इसको स्मूथ पे खेलूँ, बट अगर मैं चाहूँ कि मेरे को थोड़े ग्राफिक्स वगैरह अच्छे मिल जाएँ तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ, प्लस जो रैम प्रोसेसर वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ओवरऑल तो ये गेम प्ले वाली वीडियो देखने के बाद तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि किस टाइप की गेम आप इसके अंदर ईजिली खेल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप मोस्टली सारी गेम्स इसके अंदर खेल पाएंगे, बट कुछ होंगी जो 1080p पे आप खेल सकते हैं, कुछ होंगी जो आप नॉर्मल रिजोल्यूशन पे या लो या मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। तो ओवरऑल तो मुझे ये वाला ग्राफिक्स कार्ड इस बजट के अंदर रियली में काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं शायद इसको अगले 6 महीने तक तो ये वाला यूज़ करूँगा ही, उसके बाद ही मैं अपग्रेड करने की सोचूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद तो आप लोगों का आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करके या कुछ नए कंपोनेंट्स को लगा के अपने PC को एडिटिंग के लिए या गेमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत ही कम बजट के अंदर अंदर। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, और अगर आप ऐसी और वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा देना अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारे मिलते हैं, बाय।